इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे मयूर भांज रियासत की कहानी। मयूर भांज रियासत का इतिहास इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मयूर भांज न सिर्फ उड़ीसा बल्कि पूरे ईस्टर्न इंडिया की जितनी भी रियासतें थी उनमें से सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली ऐसी एक ये रियासत थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मयूर भांज का जो राज परिवार है, जो भांज डिनेस्टी है, वो भारत के सबसे पुरानी रॉयल डिनेस्टीज में से एक थी। अब मयूर भांज जो है वो उत्तरी उड़ीसा में आता है। इस पूरे क्षेत्र को प्राचीन भारत में उत्कल रीजन कहा जाता था। और अगर आप देखें तो जो जो बंगाल से जो ट्रेड आता था दक्षिण में कलिंगा की तरफ, या फिर जो कोसला रीजन है जो हमने आपको बोलंगीर रियासत की कहानी में आपको बताया था, तो ये एक जैसे हम कहते हैं बंगाल और कलिंग के बीच में एक फ्रंटियर रीजन जैसे था। हमें कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो ताम्रलिप्ति का जो पोर्ट था, जो ईस्टर्न इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट था और कलिंग का एक पोर्ट था, वहाँ पर उत्कल के राजा राज किया करते थे। पर जनरली ये जो पूरा जो क्षेत्र है वो घने जंगल हुआ करता था और यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स रहा करते थे, जैसे कि संथल ट्राइब है या बाकी ट्राइब्स है। अब मयूर भांज का जो राज परिवार है उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम भारत के अलग अलग राज परिवारों की बात करते हैं तो हमें ये जो राज परिवार है वो क्लेम करते हैं कि वो सूर्यवंशी है, मतलब सूर्य के वंश, चंद्रवंशी, चंद्र के वंशज, या फॉर एग्जांपल जो पोरबंदर के थे वो हनुमान के वंशज अपने आप को मानते हैं। मयूर भांज के जो राजा हैं वो अपने आप को मोर के वंशज मानते हैं। जो एक दंत कथा है उसके अनुसार जो आदि भांज है, जो इस रॉयल डिनेस्टी के संस्थापक है, वो एक मोरनी के अंडे से एक मनुष्य ने जन्म लिया था और उसी से एक मोर और मोरनी से ही इस राज परिवार की शुरुआत हुई। और अगर आप देखें तो मयूर भांज या ये जो भांज रॉयल फैमिली का जो सिंबल है, फ्लैग है, उसमें मोर आपको दिखाई देता है। जो हिस्टोरियंस हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं उनका ये मानना है कि शायद प्राचीन काल में ये जो मयूर भांज एरिया है, यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती थी वहाँ पे उनकी प्रथा रही होगी मोर की पूजा करने की। और फिर जब राज परिवार के राज की स्थापना हुई तो जो इष्ट इन ट्राइबल्स के जो इष्ट देवता थे, जो मोर और मोरनी के रूप में जिन्हें पूजा जाता था, तो उनसे एक इस रॉयल फैमिली को कनेक्ट करने के लिए ये कहानी बनाई गई। पर उसी से इस रियासत का नाम मयूर भांज ये भी इसी लोक कहानी से जुड़ा हुआ है कि ये जो डिनेस्टी का राज जो उद्भव हुआ था पीकॉक और पीहेन से। हिस्टोरिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं और एफिग्राफिकल एविडेंस के अभाव में हमें इस राज परिवार की शुरुआत कब हुई और इस राज की शुरुआत कब हुई ये हमें ज़्यादा पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट अंदाजन 7वीं या 9वीं शताब्दी, ये 200 साल का कार्यकाल है, बट उसके बीच में ही भांज डिनेस्टी का रूल इस जंगल ट्रैक्ट में शुरू हुआ। उनकी पहली राजधानी थी कीचिंग करके, जो बारीपाड़ा जो मयूर भांज की राजधानी थी उसे 150 किलोमीटर दूर है। तो ये कीचिंग जो है वो कई सदियों तक मयूर भांज राज परिवार की राजधानी रही। आज अगर आप वहाँ पर देखें तो वहाँ पे एक्सकवेशंस जो हुए हैं 1920s में, तो आपको मंदिर दिखते हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपास दिखते हैं। अभी ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पूरा एरिया है ये शाक्त
जा या मतलब देवी की पूजा हुआ करती थी। तो जो भांज राज परिवार की जो मेन देवी है कीचकेश्वरी, उसका भी मेन मंदिर जो है वो यहाँ पर कीचिंग में ही है। और यहाँ पे बुद्धकालीन स्पेशली जो तांत्रिक बुद्धिज़्म है उसके भी काफ़ी यहाँ पर अवशेष मिले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तांत्रिक बुद्धिज़्म है, जो वज्रायना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है, उसका निर्माण उड़ीसा में ही हुआ था। और ऑब्वियसली संबलपुर और ललितगिरी जो कॉम्प्लेक्स है, और ऑब्वियसली मयूरभंज में भी यहाँ पर एक समय था कि तांत्रिक बुद्धिज़्म का यहाँ पर काफ़ी प्रभाव था। हमें जो अर्ली रूलर्स हैं भांज डिनेस्टी के, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। हमें ये रेफरेंस मिलता है कि अराउंड 1361 में एक बहुत बड़ी फौज लेकर फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली के सुल्तान हैं, उन्होंने उड़ीसा पर हमला किया था और यहाँ के काफ़ी मंदिर तोड़े गए, यहाँ पे काफ़ी लूटपाट हुई एंड ऑल। तो उसकी वजह से जो हरिहर भांज करके जो राजा थे वो अपनी राजधानी हरिपुर गढ़ करके जो है, जो बारीपाड़ा से 22 किलोमीटर्स दूर है, वहाँ पर वो शिफ्ट कर गए। अब कुछ अकाउंट्स का मानना है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने हमला किया था 1361 में, तभी ये राजधानी शिफ्ट हुई हरिपुर गढ़ में। और कुछ लोगों का मानना है कि काफ़ी समय बाद लगा, ऑलमोस्ट 40 साल बाद इन द ईयर 1400 में हरिपुरगढ़ बिकेम द कैपिटल। हरिपुरगढ़ जो है वो वहाँ पर कैपिटल शिफ्ट करने का ये रीज़न था कि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन पे है कि उसके तीन साइड में नदी है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा और एक बहुत सिक्योर लोकेशन था। वो वहाँ पर किला बनाया गया, वहाँ पे मंदिर बनाए गए, वहाँ पे एक महल बनाया गया। सैडली आज सिर्फ उसके अवशेष हमें मिलते हैं, पर कई सौ सालों तक ये हरिपुरगढ़ ही भांज राजाओं की राजधानी रहा। तो ये जो तुगलक इन्वेजन हुआ, उसके बाद हमें ज़्यादा तो रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं कि यहाँ पे बहुत हमले हुए हों, क्योंकि अगर आप देखें तो मयूरभंज जो था वो एक जंगली एरिया था, तो ज़्यादा जो बाकी रियासतों पर और राज्यों पर जो इन्वेजन्स हुए तो वो मयूरभंज पे नहीं दिखते हैं। पर हमें ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल जब 15वीं शताब्दी में जब तुगलक सल्तनत टूटने लगी, तब अलग अलग जैसे मालवा सल्तनत है, गुजरात सल्तनत और बंगाल सल्तनत बनी, तो जो बंगाल के जो सुल्तान्स थे उन्होंने मयूरभंज पर हमले किए। आगे चल के अराउंड 1592 में हमें ये रेफरेंस मिलता है कि मयूरभंज पर मुगलों का हमला हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो मुगल चंद्रल जिसने मयूरभंज पर हमला किया और मुगलों का झंडा मयूरभंज पर लहराया, वो थे जयपुर के राजा मानसिंह। तो थैंक्स टू द आर्मी ऑफ राजा मानसिंह ऑफ जयपुर, मयूरभंज में मुगलों का राज शुरू हुआ। पर ये डायरेक्ट रूल नहीं था, जो यहाँ के जो राजा थे उन्हें लगान देना पड़ता था, सालाना लगान मुगल एम्परर्स को। मयूरभंज राज परिवार की एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इवन दो मयूरभंज दिल्ली दरबार के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड नहीं रहा, हमें ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, पर जो जब भी मुगलों की ताकत कम होती थी तो जो मयूरभंज के जो राजा है वो हमेशा कोशिश करते थे कि अपने जो राज्य का विस्तार किया जाए। फॉर एग्जांपल हमें ये पता चलता है कि लेट 17वीं सेंचुरी में जब मुगल बादशाह शाहजहां बीमार पड़े और उनके जो बेटे हैं दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, उनके बीच में गद्दी तख्त को लेकर जो सिविल वॉर शुरू हुआ, तो तब उसका फ़ायदा उठाकर मयूरभंज के राजा हैं उन्होंने मिडनापुर जो रीजन है वेस्ट बंगाल का, उस पूरा क्षेत्र पर अपना कब्जा बैठाया। और इनफैक्ट कई ऑलमोस्ट 200 साल तक वहाँ पर मिडनापुर जो एरिया है वो मयूरभंज के अंडर था। फिर बाद में औरंगजेब आए, तब एक पीस का माहौल था इस पूरे क्षेत्र में।
फिर आगे चल के जब मुगल एम्पायर टूटा तब बंगाल के नवाब आए, और जो बंगाल के जो पहले नवाब थे वो थे मुर्शीद कुली खान, और उसके बाद आए अली वर्दी खान। अब जब अली वर्दी खान नवाब अली वर्दी खान जब बंगाल के नवाब बने तो वो मुर्शीद कुली खान का जो परिवार था उसको हरा कर गद्दी पर बैठे थे। तो ये जो उड़ीसा की जो जो ताकतें थी इंक्लूडिंग मयूरभंज, उन्होंने अली वर्दी खान के राइवल का साथ दिया। इसलिए अली वर्दी खान ने एक बहुत बड़ी फौज लेकर मयूरभंज पर हमला किया और राजा और वो सब लड़ते रहे। अब अनफॉर्चुनेटली फॉर अली वर्दी खान, वो मयूरभंज को क्रश करते और बाकी जो उनके राइवल्स को क्रश करते, उससे पहले उन्हें एक नए पावर का सामना करना पड़ा, वो थे मराठे। अब ये वही टाइम था कि मराठों के जो नागपुरकर भोसले हैं, जो हमने आपको नागपुरकर भोसले नागपुर रियासत की वीडियो में आपको बताया है, उन्होंने उड़ीसा पर एक बहुत बड़ी फौज लेकर हमला किया, और 1751 में अली वर्दी खान को जो मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ ओरिसा, मोस्टली ये जो कटक बालासोर और ये जो बाकी का जो एरिया है, वो मराठों को सीड करना पड़ा। हम ये जानते हैं कि मराठों ने जो नागपुरकर भोसले हैं उन्होंने मयूरभंज पर बहुत बड़ी फौज लेकर हमला किया, यहाँ पर बहुत लूटपाट मचाई, पर हमें ये रेफरेंस नहीं मिलता है कि जैसे बोलनगीर और जो बाकी की जो रियासत थी संबलपुर एंड ऑल, जैसे वो नागपुर के अधीन थी, मयूरभंज हमेशा इंडिपेंडेंट रही। और ये एक यूनिक बात है मयूरभंज रियासत की कि उड़ीसा की रियासतों में अगर एक रियासत जनरली फुल्ली इंडिपेंडेंट रही है और किसी भी पावर के अधीन नहीं रही है तो वो रही है मयूरभंज। अब बंगाल में फिर से तख्तापलट होता है, अलीवर्दी खान के बाद उनके जो ग्रैंडसन थे नवाब सिराजुद्दौला वो कुछ समय तक गद्दी पर बैठे, और फिर प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना कब्जा जमाया। अब अंग्रेजों को मयूरभंज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बिकॉज मयूरभंज जो था वो एक बफर स्टेट था बिटवीन द मराठास एंड बंगाल, और जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसमें यही हमें पता चलता है कि जो अंग्रेज थे वो यही सोचते थे कि हम एक जो मयूरभंज के जो भांज राजा है उनके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे तो वो मराठों को आगे आने नहीं देंगे, और जो ब्रिटिश बंगाल है वो मराठा इन्वेजन से हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, एंड दिस इज व्हाट वर्कड इन मयूरभंज's फेवर। तो आगे चल के भी जब फॉर एग्जांपल 1803 में जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ और नागपुरकर भोसले ने उड़ीसा है उसे ब्रिटिशों को सौंप दिया, पर उसके बाद भी ये जो अंग्रेज और जो मयूरभंज राज परिवार है उनके जो अच्छे संबंध थे वो बने रहे। 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तब संभलपुर में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, उड़ीसा के अलग अलग जगहों पर हुआ, पर यहाँ के जो जदुनाथ भांज देव थे जो मयूरभंज के राजा थे वो ब्रिटिश लोगों के साथ लॉयल रहे। मयूरभंज के इतिहास का एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब राजा श्री रामचंद्र भंज देव मयूरभंज के राजा बने। दिस वॉज अराउंड लेट 1800s। श्री रामचंद्र भंज देव थे वो बहुत ही मॉडर्न प्रोग्रेसिव और इंटेलिजेंट रूलर थे, और उनके शासनकाल में मयूरभंज की पूरी कायापलट ही हो गई। उन्होंने जो स्टेट प्रेस है उसे बढ़ावा दिया, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स खोले, उन्होंने जो गरीब लोग हैं उनके लिए आश्रम खोले, जो विधवा है उनके लिए आश्रम खोले, यहाँ पर उन्होंने बारीपाड़ा में कॉलेजेस बनाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर मयूरभंज स्टेट रेलवे की स्थापना हुई, और एक बार रेलवे आई तो जो गुड्स हैं और जो पैसेंजर्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली ईजिली हो सकता था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब जमशेद जी टाटा को अपना एक स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट खोलना था भारत में,
तो जो मयूरभंज रियासत है वहाँ पर कोल माइंस और जो आयरन एंड स्टील, मतलब जो उसका जो रॉ मटेरियल है उसके माइंस बहुत अच्छे थे। तो मयूरभंज ने टाटास को उनके माइंस लीज पर दिए थे। और इनफैक्ट ये एक प्रपोजल था कि जो टाटा स्टील की जो फैक्ट्री है जो आगे चल के जमशेदपुर में बनी वो ओरिजिनली मयूरभंज में भी बन सकती थी, बट देयर वर सेवरल रीजंस इट डिड नॉट वर्क आउट और फिर आगे चल के वो जमशेदपुर में वो प्लांट बनी। पर ये आपको इट इज़ अ व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री कि अगर जो टाटा स्टील का प्लांट है वो मयूरभंज में होता तो मयूरभंज का इतिहास कितना अलग होता। श्री रामचंद्र भांजदेव के कार्यकाल में मयूरभंज का रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा और जो टैक्सेशन है वो इतना नहीं बढ़ा। महाराजा श्री रामचंद्र भांजदेव के कार्यकाल के साथ और एक इंटरेस्टिंग बात जुड़ी हुई है, वो है उनकी दूसरी शादी की। उनकी जो पहली पत्नी थी वो छोटा नागपुर के एक राज परिवार से थी और उनका निधन हो गया था। और जब महाराजा श्री रामचंद्र भांजदेव हमेशा कैलकटा जाते थे, वहाँ पर उनका एक बड़ा मयूरभंज हाउस भी था एलेपुर में, तो उनकी मुलाकात हुई सुचारू देवी के साथ जो उस समय के सबसे प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे, केशव चंद्र सेन, ब्रह्मो समाज के संस्थापक, उनके उनकी बेटी थी। और जो कूचबिहार की महारानी थी सुनीति देवी, उनकी छोटी बहन थी। अब ये समय था द बंगाल रेनेसांस का, जब ब्रह्मो समाज के लोग, मतलब अगर आप देखें तो राजा राम मोहन रॉय से लेकर आचार्य जगदीश चंद्र बोस से लेकर इवन सत्यजीत रे तक, ये जो बंगाली भद्रलोक है ये सारे ब्रह्मो समाज से थे। वो हिंदू रूढ़ियाँ और परंपरा नहीं मानते थे, उनका एक अलग आउटलुक था। और वो साइंटिस्ट थे, पोएट थे, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मोमेंट था उस समय का। और वो जो महाराजा श्री रामचंद्र भांजदेव है वो सुचारू देवी से शादी करना चाहते थे, बट उन्हें बहुत अपोज हुआ बिकॉज फ्रॉम द कंजर्वेटिव मयूरभंज सोसाइटी एंड द नोबिलिटी। पर 1904 में उन्होंने फाइनली सुचारू देवी के साथ शादी कर ली। सुचारू देवी जो है वो कैलकटा में ही ज़्यादातर रहती थी और कभी कभी मयूरभंज में आया जाया करती थी, बट इट वॉज अ वेरी हैप्पी मैरिज और उन दोनों का एक परफेक्ट कपल मैच करते थे। और उनके इन्फ्लुएंस में भी यहाँ पर बहुत मयूरभंज में एक बहुत अच्छा काम कराया गया। नाउ अनफॉर्चुनेटली 1912 में बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव का निधन हो गया। एक अभी ये हमें बता ये इंसिडेंट हमें बताता है कि उस समय जो रियासतें थी उनमें कितने षड्यंत्र हुआ करते थे। तो 1912 में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव अपने गेस्ट के साथ शिकार करने गए। और जब वो शिकार करने गए तो वो मचान पर थे और फिर नीचे उतरे और किसी ने उनके पीठ में गोली मार दी। और फिर बाद में ये मैटर इस तरह से दबाया जाने लगा कि नहीं, वो जो दूसरे शिकारी है उसे लगा कि भालू है या शिकार का जानवर है एंड ऑल। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो गोलियां उनके अंदर गई थी तो वो इंस्टेंटली नहीं मरे, बट उसका एक इन्फेक्शन हो गया और फिर कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। सुचारू देवी जो है वो कैलकटा में ही रही, उनका 1961 में निधन हो गया। सुचारू देवी के जो बेटे थे वो बाद में एक फाइटर पायलट थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। 1912 में महाराजा श्री रामचंद्र भांजदेव के निधन के बाद उनके बेटे महाराजा पूर्णचंद्र भांजदेव मयूरभंज की राजगद्दी पर काफ़ी कम उम्र में बैठे। 1917 में मयूरभंज में एक बड़ा इंसिडेंट ये हुआ कि यहाँ पर एक संथल रिवोल्ट हुआ। उसका कारण ये था कि 1917 पहले विश्व युद्ध का टाइम था और जो अंग्रेज जो है वो जबरन रिक्रूटमेंट कर रहे थे लोगों की, कॉन्स्क्रिप्शन इन द आर्मी, ताकि इनको ले जाकर मिडल ईस्ट और जो यूरोप है वहाँ पे एज सोल्जर्स और एज कूलीज उन्हें वॉर में इस्तेमाल किया जा सके। और बिकॉज वो बहुत जबरदस्ती से रिक्रूटमेंट किया करते थे तो यहाँ पे एक लोगों के बीच में विद्रोह हुआ जो क्रश किया गया।
महाराजा पूर्णचंद्र भंजदेव जो थे वो अपने पिताजी की तरह एक बहुत इंटेलिजेंट और प्रोग्रेसिव रूलर थे, तो उनके कार्यकाल में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। उनका निधन होने के बाद उनके जो भाई थे महाराजा प्रताप चंद्र भांजदेव वो गद्दी पर बैठे। तो महाराजा प्रताप चंद्र भांजदेव उनके कार्यकाल के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ही वॉज अ डेमोक्रेट और उन्होंने एक केंद्रीय परिषद विच वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का की स्थापना की थी मयूरभंज में 1945 में। इनफैक्ट एक सेमी डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टैब्लिश करने वाली उड़ीसा की मयूरभंज ये पहली रियासत थी। बाद में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब मयूरभंज इतनी अमीर और एक जिसे उस समय कहा जाता था वायबल स्टेट थी, उसका इनकम इतना अच्छा था और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इतना अच्छा था कि इनिशियली जो सरदार पटेल है उन्होंने डिसाइड किया कि हम मयूरभंज को विलीन नहीं करेंगे उड़ीसा में और उसे एक सेपरेट जैसे मणिपुर और त्रिपुरा है उस तरह से एक सेपरेट स्टेट की तौर पर रखा जाएगा। पर बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो मयूरभंज है उसे उड़ीसा में विलीन किया जाएगा और 1948 में मयूरभंज बाकी रियासतों की तरह उड़ीसा में विलीन हुआ। मयूरभंज का जो राज परिवार है वो फिर बाद में पॉलिटिक्स में रहा। उनका जो मुख्य पैलेस था जो बारीपाड़ा का जो मेन राजमहल है उसे फिर राज परिवार ने एक कॉलेज के तौर पर गवर्नमेंट को बेच दिया और फिर अभी वहाँ पर एक कॉलेज है बारीपाड़ा का सबसे मुख्य कॉलेज। और राज परिवार जो है वो बेलगाडिया पैलेस में रहता है और उसे अभी जो मयूरभंज राज परिवार की जो राजकुमारियाँ हैं अक्षिता भांजदेव और उनकी छोटी बहन उन्होंने एक होटल में कन्वर्ट किया है। थैंकफुली अभी थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द रॉयल फैमिली लोगों में मयूरभंज राज परिवार और मयूरभंज रियासत को लेकर एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये थी कहानी मयूरभंज रियासत की।